हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योग्राफी के यूनिवर्स जो टॉपिक था उसको कवर करा था, जिसमें हमने देखा था कि सर्वप्रथम जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसका निर्माण एक बिग बैंग थ्योरी से हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने इस यूनिवर्स में उपस्थित जो अन्य कण हैं उनके विकास के बारे में जाना, और साथ ही साथ यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए जो थ्योरी सामने आई उनको भी पढ़ा था। फिर हमने देखा था हमारे सौरमंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या था? सोलर सिस्टम फैमिली थी सूर्य की, यानी हमारा जो सूर्य है, जो ऊष्मा का एक सबसे बड़ा स्रोत है, उस स्रोत की जो फैमिली है, जो परिवार है, उसको हमने सोलर सिस्टम नाम दिया। ठीक है, अब इसी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह थे। ठीक है, उनके जो ज्ञात उपग्रह हैं वो थे, कुछ खगोलीय पिंड थे, क्षुद्र ग्रह थे और अन्य उपग्रह थे। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने कवर करी थी। हमने इसमें खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम जो जानेंगे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पार्ट, यानी सोलर सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो उसके जिससे उसका परिवार बनता है, वो है सूर्य, और उसी सूर्य को आज हम समझेंगे। तो आते हैं हमारे सूर्य यानी सन के टॉपिक पर। सर्वप्रथम सूर्य क्या है? सूर्य एक ऊष्मा का स्रोत है। ठीक है, अब इसकी सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। ठीक है, सूरज बना कैसे? इतनी बड़ी ऊष्मा का स्रोत, इतनी बड़ी ऊर्जा का स्रोत आखिर हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में, हमारे सौरमंडल में आया कैसे? तो सूर्य का जो निर्माण हुआ, सूर्य की जो उत्पत्ति हुई, वो उसी प्रकार हुई जिस प्रकार निहारिका की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नेबुला हमने जाना था, निहारिका हमने कवर किया था। निहारिका क्या थी? निहारिका धूल के कण से के बादल थे। ठीक है, किसके बादल थे? धूल के कण के बादल थे। यानी कि आकाशगंगा में जो हमारी मंदाकिनी है, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता था, उस मिल्की वे के जो अंदर क्या था? एक धूल का बादल था, धूल के कण से बने एक बादल थे। उन्हीं बादलों से किसका निर्माण हुआ? सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या? जो ये आकाशगंगा में स्थित धूल का कण था, धूल का बादल था, उस बादल में ग्रेविटेशनल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो बल था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, उसका क्या हुआ? पतन हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ? नष्ट हो गया पूरी तरह से। गुरुत्वाकर्षण बल जब नष्ट हुआ तो निर्माण हुआ हमारे सूरज का, सूर्य का। ठीक है, अब होता क्या है, जब निर्माण हो जाता है सर्वप्रथम सूरज का, तो उसके बाद इसका जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, जो आंतरिक भाग था, अगर आंतरिक भाग की मैं बात करूं, तो ये हमारे पास दो डायग्राम है सूरज के। ठीक है, एक इसका मेनली जो डायग्राम है, जो हमें सूरज गोल दिखाई देता है, वो डायग्राम है। ठीक है, दूसरा जो फिगर है उसमें कहीं ना कहीं हमने इसके पार्ट्स को दिखाया है। ठीक है, जो आंतरिक पार्ट है, ठीक है, जो आंतरिक जो क्षेत्र है, जो आंतरिक फील्ड है, उसके बारे में बताया है। तो फिगर सेकंड की अगर बात करूं, ठीक है, फिगर सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो इसका सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है? वो इसका कोर है। ठीक है, कोर है, और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही होती है? हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी कि कहीं ना कहीं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, यही आंतरिक भाग, ये जो आंतरिक भाग है, उसका जब टेम्परेचर, ठीक है, जब सूर्य के आंतरिक भाग का टेम्परेचर 1,000,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, ठीक है, कितना पहुंचा? 1,000,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो क्या होगा? जब 1,000,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं वहां उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही होगी।
किसकी, नाभिकीय संलयन की क्या हो रही होगी, न्यूक्लियर फिजन हो रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही होगी। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही होगी, हीलियम में कन्वर्ट हो रही होगी। और यही कारण है कि जिससे सूर्य जो है वो लगातार ऊष्मा और प्रकाश की लपटें उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सूर्य लगातार ऊष्मा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। क्यों दे रहा है भैया, सूरज में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे हम एक बात पर और चर्चा करेंगे, एक बात पर और बात करेंगे कि जब कभी अगर ऐसा हो जाए कि बहुत से वर्षों के पश्चात क्या क्या हो जाए कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो अगर पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, सोचिए जरा, अगर ये हाइड्रोजन जो अभी भी हाइड्रोजन जो है वो अभी भी हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट पूरी तरह से हो जाए और हाइड्रोजन में हीलियम का कन्वर्ट होना बंद हो जाए तो होगा क्या सूर्य में। ठीक है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। फिर एक बात आती है कि जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है वो आखिर है क्या। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है या उपग्रह है, तारा है या फिर खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर होता है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, क्या है, सूर्य क्या है, तारा है, एक स्टार है। और कैसा स्टार है, ठीक है, क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछेगा, कैसा तारा है सूर्य, कैसा तारा है, तो सूर्य जो है वो मध्यम, ठीक है, मध्यम या फिर युवा या फिर पीला या नारंगी तारा है। ठीक है, अगर पीला ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हमें ऑप्शन कौन सा राइट लगाना है, नारंगी राइट लगाना है। ठीक है, तो सूर्य एक मध्यम, युवा या फिर पीला या नारंगी तारा है। सूर्य क्या है, यंग स्टार है, अभी पनपा हुआ क्या है, एक स्टार है जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। ऊष्मा और प्रकाश लगातार क्या हो रही है, लपटें उत्सर्जित हो रही है। तो हम सूर्य क्या है ये समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य जो है उसका व्यास कितना है, यानी सूर्य का जो डायमीटर है वो कितना है। तो सूर्य का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, यानी इस सेंटर से, इस कोर से, ठीक है, इस कोर से जो सूर्य की बाहरी परत होती है, ठीक है, वहां तक का जो व्यास होगा, ठीक है, ये इसका रेडियस होगा, ठीक है, और इसका जो दुगना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो वो कितना है, वो है 13,92,000 किलोमीटर, या फिर मैं कहूँ 8,64,948 मील। ठीक है, तो व्यास हम समझ चुके हैं। अब दूसरा ये पूछ सकता है कि व्यास हमने पढ़ा, तो रेडियस पूछ सकता है, तो इसकी जो रेडियस होती है वो होती है 6,96,000 किलोमीटर। कितने होते हैं, 6,96,000 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरी बात यह पूछी जाती है कि जो सूरज है, ठीक है, उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। ठीक है, यानी किसकी बात कर रहा है, जो तत्व हमारे पास है उन तत्वों में से कौन कौन से तत्व सूरज के पास हैं और कितने प्रतिशत में हैं, यानी उनकी कितनी मात्रा है। अभी अभी मैंने बात करी थी कि जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, कि जो सूरज है उसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है और हीलियम कितना प्रतिशत है। तो जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है सूरज में वो 70.6% होती है। कितनी होती है, 70.6% इसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है। दूसरा, अगर हीलियम पे बात करूं तो 27.4% इसमें हीलियम की मात्रा होती है और 2% जो होती है मात्रा वो अन्य गैसों की होती है। ठीक है,
अब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, दूसरा ये पूछा जाता है। लगभग 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है बेसिकली वो क्या होता है, सूर्य अपने अक्ष पर, ठीक है, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं सूरज भी क्या है, अपने अक्ष पर घूम रहा होता है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में घूम रहा होता है, तो सूर्य घूम रहा होता है जिस प्रकार हमारी ग्रह, ठीक है, जिस प्रकार हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं, कौन जो ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, कहाँ को, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, उसी प्रकार जो हमारा सूरज है वो अपने अक्ष पर कहीं ना कहीं पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व घूमना होता है, यानी जिस प्रकार हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है उसी प्रकार जो हमारा सूरज है वो भी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कभी कभी पूछता है कि पश्चिम से पूर्व की जो दिशा होती है, ठीक है, वो कभी कभी घड़ी की सुई की दिशा से उसको कंपेयर करा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये भी मिलता है कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, या घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व जो डायरेक्शन होती है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, तो सूर्य कैसे चक्कर लगा रहा है, सूर्य घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है, यानी जिस प्रकार घड़ी रोटेट घूमती है उस प्रकार में चक्कर लगा के ये कैसे घूम रहा होता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अपना चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने करी, ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने करी, तो सौर प्रणाली की जो खोज करी थी वो कॉपरनिकस द्वारा करी गई, ठीक है। लास्ट है, अब एक नाम आता है कि सूर्य, अब हमने इतना सूर्य के बारे में पढ़ा, ठीक है, सूर्य के बारे में जाना, तो खगोल शास्त्रियों ने क्या करा, जब इसके बारे में जो चर्चा करी या फिर उसके बारे में खोजा, तो उन्होंने क्या पाया, इसकी जो नज़दीक का तारा है, ठीक है, जो सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन सा तारा है, ठीक है, तो उस तारे का नाम होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, एक स्टार है, एक तारा है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, किसके सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक का जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब अगर इस तारे, इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचना है, तो यदि हम फोटोन से भी तेज जाएंगे, ठीक है, फोटोन से भी तेज जाएंगे, तो हमें 4 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में, ठीक है, कितना लग जाएगा, इस 4 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है फोटोन से भी तेज जाने में। तो हमने सूर्य के बारे में कुछ जानकारी, जैसे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, सूर्य का मतलब निर्माण कैसे हुआ, उसके आंतरिक भाग का जब टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तब उसमें क्या हुआ, ठीक है, कैसे सूर्य ऊष्मा का लगातार क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, लपटें उत्सर्जित हो रही है, और सूर्य क्या है, एक मध्यम युवा और कौन सा तारा है, पीला या फिर नारंगी तारा है, ठीक है, ये सब हमने जाना। तो हमने सूर्य के बारे में आज कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूर्य की जो अलग अलग संरचनाएं हैं, जिसमें फोटोस्फीयर आता है, क्रोमोस्फीयर आता है, कोरोना आता है, कोर आता है, उन सबको जानेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब भी करें।